तो सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए एक तरफ जो है वो दोनों आरोपी जो दिल्ली में है उनको लेकर जो है जयपुर पहुंचा जाएगा आपसे थोड़ी देर बाद, लेकिन नितिन फौजी को लेकर जो है जयपुर पहुंच चुकी है पुलिस। और इसी बीच हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। भवानी, क्या जानकारी, नितिन फौजी को लेकर जो है जयपुर पहुंचा जा चुका है, अब से कितनी देर बाद जो है वो पूछताछ की जाएगी, क्या जानकारी भवानी? देखिए, नितिन फौजी को जयपुर पुलिस लेकर आ गई है सोडाला थाने के अंदर। अभी कुछ देर में उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। गाड़ी लग चुकी है, आप देखिए कि सोडाला थाने के अंदर यहाँ पर पुलिस की वैन लग चुकी है और किसी भी वक्त नितिन फौजी को मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा सकता है। पूछताछ जब तक आरोपियों का मेडिकल नहीं हो जाता तब तक पूछताछ नहीं होती। पहले मेडिकल होगा, फिर उसके बाद में इनको पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने, रिमांड लेना होगा, उसके बाद में पूछताछ होगी। तो अब पुलिस ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। नितिन फौजी यहाँ आ गया, रामवीर भी यहाँ पर भी यही रखा गया है, यानी कि रामवीर और नितिन फौजी दोनों को यहाँ सोडाला थाने के अंदर रखा गया, दोनों का मेडिकल होगा। और इस बीच में जो दो जो दिल्ली पुलिस के पास में इस वक्त जो उनको भी वहाँ से आने के बाद में उनका मेडिकल कराया जाएगा, लेकिन अभी उनका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि सारी तैयारी हो चुकी है, किसी भी वक्त उनको बाहर लाया जा सकता है इसको आरोपी को, और यहाँ से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है, आप देखिए कि इस वक्त पुलिस की पूरी तैयारी है। और इससे जो नितिन फौजी से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ नहीं की है, इसके खिलाफ केस नहीं है, इसलिए रोहित से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है, क्योंकि कोई एक केस है दिल्ली पुलिस के पास में, इसलिए उससे पूछताछ की गई। दूसरा जो दूसरा शख्स है उससे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब दोनों को जब यहाँ लाया जाएगा, बाकी को उसके बाद में तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद में रिमांड लिया जाएगा। और उसके बाद मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि ये दोनों ही जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तरफ जयपुर और दूसरी तरफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही दोनों आरोपियों को लेकर जो है पुलिस पहुंची कि जयपुर और राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी जो है वो लगातार उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी? धीरे धीरे देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ, मेरे कैमरा से निजाम को तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, ये जो पहली गाड़ी है इसमें इंस्पेक्टर राकेश शर्मा बैठे हुए हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं जयपुर तक पूरी टीम को। और देखिए, इसके पीछे लगातार हम अपने ड्राइवर से कहेंगे थोड़ा गाड़ी धीरे करें। देखिए, मैं अब आपको काफिला दिखाता हूं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। ये पहली गाड़ी जिसमें कि इंस्पेक्टर राकेश शर्मा है, जो क्राइम ब्रांच के जो चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिन्होंने कि शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये देखिए, ये दूसरी गाड़ी है क्राइम ब्रांच की दिल्ली पुलिस की, और इसके बाद ये देखिए ये तीसरी गाड़ी है काफिले की, जो सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए, ये चौथी गाड़ी जो आप स्कॉर्पियो देख रहे हैं, इसके अंदर एक शूटर जो है इसके अंदर मौजूद है। देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, देखिए बीच में शूटर को बिठा रखा है। और अब ये पांचवी गाड़ी, इसमें देखिए दूसरा शूटर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो राकेश, जिस तरह से देखिए रोहित राठौर और जो उधम है, वो दोनों इन गाड़ियों में मौजूद है। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करीबन 6 से 7 गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार न्यूज 18 इंडिया के साथ जो है जयपुर के लिए रवाना हुआ है। और यहां से करीबन 4 घंटे का वक्त लगेगा, जब जयपुर बॉर्डर पे जहां पे राजस्थान पुलिस पहुंची हुई है, वो इन दोनों जो जो शूटर और जो उधम है एसोसिएट थे, इनको जो है वो सुपुर्द जो क्राइम ब्रांच है वो जयपुर पुलिस के करेगी। तो आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ में, जिस तरह से कमल पैलेस होटल में शूटर्स रुके। देखिए, फिर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 इंडिया में दिखा रहे हैं, इस गाड़ी में किस तरह से जो शूटर है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। लगातार क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो इन गाड़ियों में मौजूद है। और जिस तरह से रविंदर यादव, जो स्पेशल सेल के स्पेशल क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर है, उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से लगातार रोहित गोदारा के साथ ये संपर्क में थे, और किस तरह से जो है वो पूरी वारदात जो है सुखदेव हत्याकांड की जो है वो शूटर्स ने रची, किस तरह से दुबई से उन्हें डायरेक्शन मिल रहे थे, किस तरह से रोहित गोदारा जो है वो लगातार इनके संपर्क में था। बिल्कुल, मैं लौट रही हूं आनंद आपके पास। देखिए, तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, ये वो काफिला है जो जा रहा है उन शूटर्स को लेकर जयपुर की तरफ, क्योंकि यही वो काफिला है जिसमें वो दोनों शूटर्स मौजूद हैं। अब आप ये समझिए कि अब जब ये काफिला पहुंचेगा राजस्थान, तो राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाएगा इन दोनों ही आरोपियों को, और उसके बाद होगी बड़ी कार्रवाई शुरू। ये पूछा जाएगा कि आखिर हथियार जो है वो कहां पे मौजूद थे। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी भवानी का रुख कर लेती हूं, फिर आनंद के पास जाऊंगी, मैं लौटूंगी भवानी आपके पास। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से हत्याकांड से जुड़े हुआ हर एक बड़ा अपडेट जो है सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव गोगा मेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, चंडीगढ़ पुलिस ने होटल का DVR कब्जे में लिया है। शूटर्स को चंडीगढ़ से ही गिरफ्तार किया गया था, और उसी जिस होटल में दरअसल ये लोग रुके हुए थे उसी होटल का DVR, यानी कि आप समझिए जो CCTV फुटेज होता है उसका जो DVR होता है
उसे कब्जे में लिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये लोग जो है वो कब यहाँ पर इस होटल में पहुंचे थे, कितने घंटे के लिए रहे और कितनी एक्यूरेसी जो है वो बात में है, क्योंकि होटल का मालिक जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आधे घंटे पहले आए थे। लेकिन अब ऐसे में आखिर क्या तालमेल बैठता है या नहीं बैठता, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं होटल के लॉबी की, ये तस्वीर जिस वक्त जो है दोनों होटल में पहुंचे थे। और अब रूट मैप भी सामने आ चुका है। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही दोनों शूटर फरार चल रहे थे और वो पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपनी लोकेशन भी बदलते जा रहे थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अब तक की जो जानकारी सामने आई है वो समझाने की कोशिश करते हैं। उसके जरिए सबसे पहले आपको बता दें, जयपुर में सबसे पहले ये मर्डर किया जाता है, जहां पर उसके बाद आप देखिए फिर राजस्थान के ही कुचामन में वो बस से यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, कुचामन से वो डीडवाना पहुंच जाते हैं। डीडवाना कनेक्शन भी यहाँ पर सामने आया है और डीडवाना में कार किराए पर बकायदा उनकी तरफ से ली जाती है और उसके बाद डीडवाना से वो सुजानगढ़ की तरफ पहुंच जाते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अलग अलग राज्यों की पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी, दिल्ली की तरफ जाने वाली, उसके बाद वो सुजानगढ़ से जो बस है वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद आप देखिए रेवाड़ी में उनकी लास्ट लोकेशन पाई जाती है, जिसके बाद ये माना जाता है कि अब बहुत करीब इन आरोपियों की पुलिस पहुंच गई है और उसके बाद चंडीगढ़ में होने की उनकी जानकारी मिलती है और चंडीगढ़ से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से ऐसी गिरफ्तारी उसके बाद हो जाती है। लेकिन ये पूरा रूट मैप हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जब हत्या की गई, मर्डर किया गया, उसके बाद कब कहां पर जाना है, कब वहां से निकलना है और उसके बाद की लोकेशन क्या होगी, ये भी तय है कि चंडीगढ़ में जहां गिरफ्तारी हुई है इसके बाद कहां जाना था, क्या विदेश भागने की वो फिराक में थे, सब कुछ प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। लेकिन वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिल पाई, चंडीगढ़ पुलिस पहुंच गई और उसके बाद चंडीगढ़ में बताया जा रहा है 22 से वहां पर एक गेस्ट हाउस था, वहां से आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन ये रूट मैप जो है वो हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, जयपुर से जिसकी शुरुआत होती है 5 दिसंबर का वो दिन, जब घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी जाती है। पुलिस के हाथ खाली थे, पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसके बाद अब बहुत बड़ी कामयाबी भी यहां पर मिल चुकी है। आनंद तिवारी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं, इस वक्त की क्या तस्वीर आनंद देख पा रहे हैं उनका रुख करते हैं। आनंद, लगातार काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या जानकारी आपके पास, तस्वीरें दिखाइए। देखिए लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार जो है वो हमारे काफिले के साथ हैं। अभी हम यहाँ रेड लाइट पर रुके हुए हैं और देखिए अब सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान पुलिस के लिए कि इस हत्याकांड के जो तार है उन्हें जोड़ा जाए, क्योंकि अब जो कस्टडी है वो राजस्थान पुलिस को मिलने वाली है। जो दोनों शूटर हैं वो और जो उनका मददगार है, वो तमाम लोग जो हैं आरोपी हैं, वो थोड़ी देर के बाद जो है वो राजस्थान पुलिस के पास होंगे और उन्हें कोर्ट में पेश करके उनकी फर्दर रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद किस तरह से लॉरेन बिश्नोई गैंग, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, इन तमाम लोगों ने किस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया, किस तरह से हथियार आए, किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो शूटर्स को मिला, किस तरह से वो चंडीगढ़, हिसार, रेवाड़ी और जिस तरह से मनाली में रुके, ये तमाम चीजों पे से धीरे धीरे जो पर्दा है अब उठना शुरू हो गया है। और अब जो करनी सेना के जो अध्यक्ष थे जिनकी हत्या के बाद पूरी तरह राजस्थान में रोष था, जाहिर तौर पर परिवार के लिए एक थोड़ी राहत की बात है कि जो शूटर्स हैं उन्हें पकड़ लिया गया है और अब देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई राजस्थान पुलिस पूरे मामले में करेगी, क्या और कोई एसोसिएट भी इनके जिनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी।